हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कालिंदी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक नोटिफिकेशन ओपन किया है एंड ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मार्क्स रिलीज़ किए हैं कॉलेज ने उसके रिगार्डिंग है। सो आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन 17/1/2023 को रिलीज़ हुआ था एंड इसमें बताया गया है कि कॉलेज ने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो मार्क्स हैं उसको रिलीज़ कर दिया है और अगर आपको अपने मार्क्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखती है या आपको लगता है कि मार्क्स आपको कम दिए गए हैं तो आप इनकी दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये जो 17/1/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया है इसकी न्यूज़ बहुत से स्टूडेंट्स तक पहुँच ही नहीं पाई है क्योंकि कॉलेज ने किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं किया है स्टूडेंट के साथ और सिर्फ ये कॉलेज की वेबसाइट या डीयू की वेबसाइट पे रिलीज़ किया गया है। सो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो किस तरह से मतलब अपने नोटिफिकेशन सिर्फ अपनी कॉलेज वेबसाइट पर ही जारी कर रहे हैं। बहुत से कॉलेज क्या करते हैं कि आपको ईमेल कर देते हैं ताकि आप अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मार्क्स में तो आप कॉलेज को ईमेल कर सकें एंड विद इन द टाइम आप अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। बट कुछ कॉलेजेस सिर्फ उस नोटिस को अपने ही वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जिससे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को ये चीज़ पता ही नहीं चल पाती है कि अगर वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए। सो आपने जिस जिस कॉलेजों में अगर फॉर्म भरे हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को चेक करते रहें रेगुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाके। या दिस इज़ डिफ़िकल्ट कि आप हर एक कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ये चेक नहीं कर सकते। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ यही है कि मोस्टली ये सब चीज़ें इस तरह से प्लान करके की जा रही हैं ताकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये चीज़ पता ना चल सके और डायरेक्टली उन्हें इंटरव्यू के बारे में पता चले और हो सकता है कि वो शॉर्टलिस्ट हो सकते थे। कॉलेज का जो स्टाफ है वर्किंग स्टाफ क्लरिकल स्टाफ जिसने भी ये मार्क्स अलॉट किए हैं सो उससे कोई भी गलती हो सकती थी लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंच ही नहीं रहा है एप्लीकेंट तक पहुंच ही नहीं रहा है सो वो अपना एरर को सही करवा ही नहीं सकता और एक टाइम लिमिट के बाद दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ईमेल्स आल्सो। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ट्राई कीजिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या कॉलेज की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें जहाँ जहाँ आपने फॉर्म को फिल किया है ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं उसके द्वारा उठाए जाने वाले इस तरह के नॉन कम्युनिकेशन जो ईमेल्स हैं नॉन कम्युनिकेशन सॉरी जो पीडीएफ्स हैं जो फिर वो वेबसाइट पे ही अपलोड करते हैं उससे आप अवगत रह सकें। सो अगर आपको किसी भी और तरीके की जानकारी चाहिए रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नॉर्म्स रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो पुट योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक कि क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा सही किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्टूडेंट से नहीं किया जा रहा है एंड जस्ट दे आर डूइंग वट एवर दे वॉन्ट टू डू। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कैन गेट दिस न्यूज़ एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज़ राइट योर सजेशन इफ यू हैव एनी सजेशन ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।